तो जय हिंद नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टेंट आज की इस क्लास में। स्टेंट अगर आप सभी भी 18 फरवरी एग्जाम देने जा रहे हैं तो यकीन मानिए स्टेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टेंट ये अंतिम वार है आप सभी के लिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड स्टेंट आप सभी को सारे जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये सारे प्रश्न आप सभी के हूबहू एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आप सभी जुड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया, तो आप लोग क्लास को एकदम ध्यान से देखिएगा। एंड स्टेंट आज के क्लास हम लोग थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है। तो चलिए स्टेंट आज के समय को बिना गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टेंट आज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे आप सभी के सामान्य जानकारी से, जीके से स्टार्ट करेंगे, तो 39 से भी स्टार्ट होगा आप सभी के एग्जाम में भी, और यहाँ भी स्टार्ट होता ही होता है। तो 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सूरीसर, मानसर झीलें हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? ती हो जाएगा आप सभी का कॉर्बेट, कॉर्बेट कॉर्बेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला प्रश्न है 41 नंबर कि लवण प्रभावित मुद्राएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस मंडलों में पाई जाती है? कह रहा है कि लवण प्रभावित मुद्राएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश में किन मंडलों में पाई जाती है? 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगरा एवं अलीगढ़। स्टूडेंट अगर आप सभी को अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे क्या होता है ना कि आप सभी को कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते एग्जाम में, तो एग्जाम में रियल एग्जाम में आप लोग कितना अटेंड कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए 42 नंबर है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? 42 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनौज को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा की बात किया जाए तो आप सभी के हापुड़ हो जाएगा, हापुड़ ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बात करेंगे क्लास की ओर। 44 नंबर कह रहा है कि जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस के बात किया जाए स्टूडेंट तो ये मनाया जाता है आप सभी के 20 जून को मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस आप सभी के 20 जून को मनाया जाता है। चलिए फटाफट बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर कह रहा है कि UEFA नेशंस लीग फाइनल्स 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? 45 का हो जाएगा आप सभी का स्पेन जीता है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे 46 नंबर का, रहेगा जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नव निर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया है, यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया है? तो ये जिले बनाया गया आप सभी के बलरामपुर जिले में, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्लास ज़्यादा फास्ट चला है तो ऐसा ही चलेगा, बिकॉज स्टूडेंट आप सभी के पास समय बहुत कम और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिससे कि हम लोग सिर्फ रिविजन कर रहे हैं ताकि हमारा जो भी याद किए वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ठीक, और कुछ नहीं। 47 नंबर है कि बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 47 का हो जाएगा आप सभी का, 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 16 दिसंबर 1971 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे फटाफट अगले प्रश्न की ओर। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करते रहिएगा आप सभी, अगर अभी तक नहीं किए तो फटाफट चैनल को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर क्या बोलते हैं उसको, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर की चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो 48 का हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का, 48 का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 49 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से
किसे देवा नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? तो 49 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर की, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग पूर्ण भारत में फैला था? तो 50 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलाउद्दीन खलजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं फटाफट। चलिए 51 नंबर प्रश्न और फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते दिखाता है कि अकारा के 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो करेक्ट, स्वतंत्रता संग्राम किसने इसे कहा था 1857 की क्रांति से जो कि मेरठ से प्रारंभ हुई थी? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वीडी सावंकर जी ने इसे संग्राम का अवधि दिया था, संग्राम का स्वतंत्रता संग्राम बोला था इसे। 52 नंबर है कि गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो फटाफट 52 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 52 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? करें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो 53 का हो जाएगा आप सभी का 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मालदीव ऑप्शन नंबर डी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टेंट आप सभी का, फटाफट ध्यान दीजिएगा आप सभी का 54 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? करें कि बोम डीला द्वारा किस राज्य में स्थित है? तो बोम डीला दारा के बात करते स्टेंट, तो 54 का हो जाएगा आप सभी का 54 का हो जाएगा स्टेंट आप सभी का, ध्यान दीजिएगा फटाफट यार, इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि ना मैं आप सभी से पहले बोल चुका हूँ कि आप सभी के पास समय बहुत कम और क्वेश्चन स्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग जैसे फास्ट नहीं करेंगे तो आप सभी का कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, और फास्ट तो करना पड़ेगा यार। तो 54 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए 55 नंबर प्रश्न है कि अष्टमुड़ी अर्धभूमि झील में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, तो 55 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में स्थित हो जाएगा अष्टमुड़ी अर्धभूमि झील हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 57 नंबर प्रश्न है कि नामचा बरवा टर्नर लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो 56 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ये करती है, प्रवेश करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 57 नंबर है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, यानी कि संविधान सभा को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो 57 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 महिला थी, कितने हो जाएगी 15 महिलाओं की संख्या थी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर की भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? 58 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। चलिए 59 नंबर प्रश्न की भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है, तो कौन सा अनुच्छेद देता है आप सभी का? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 324 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर की भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 3 के हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 61 का हो जाएगा आप सभी का 61 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 86वें संविधान संशोधन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर, आप सभी से पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि मूल हास्य की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भरता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 62 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूंजीगत वस्तुएं हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 63 नंबर की, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है, तो 63 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेंट, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 64 नंबर है कि ओक ट्रॉय क्या है, तो ओक ट्रे क्या है, तो आप सभी का 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टैक्स हो जाएगा, टैक्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर की, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है, तो 65 का हो जाएगा आप सभी का 65 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रथम ग्रामीण बैंक हो जाएगा, प्रथमा ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को किस पर अल्पकालिक ऋण देता है, उसे क्या कहते हैं, तो 66 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेपो टैक्स कहता है, रेपो टेर कहता है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का, देखिएगा 67 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो 67 का हो जाएगा आप सभी का टीकाकरण से ये संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्टेट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा टीकाकरण, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्यों हो गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार, आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के सिद्धांत को फाइंड किया था। अगला प्रश्न है कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था, तो 70 का हो जाएगा आप सभी का 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1991। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, तो 72 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक की बात किया जाए 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा है। कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करें कि बगदाद की राजधानी क्या है, तो बगदाद की राजधानी की बात करें तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इराक हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट आप सभी को क्या हो जाएगा। स्टूडेंट आज ये क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।